बलावर तोता चुमा बराबर ना तो नंबर भी नहीं है हमें तो तमाम क्या है हमार खोलता तू क्या लोग हैं ना ना चूरी आगे चली गई वो बैठी आगे 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 चल आगे ये अंजा अंजा आज में ये बैठी है ना अभी राउंड को जाऊँ मजा है माशाल्लाह अभी राउंड मारेंगे चलो ये आगे 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 बा 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 जोर खोरित बेजत हमें जीता खोटा अस्सलाम वालेकुम हम अभी एक ज़्यारत से फारिग हुए हैं दूसरी ज़्यारत पर जा रहे हैं और ये ज़्यारत भी बिल्कुल रोड के करीब ही है और खलीज विलेज के बिल्कुल पास है और जो ये ज़्यारत मशहूर है वो इमाम जाफ़र सादिक की आल यानी कि चार ज़्यारतें या चार शहज़ादे के नाम से जो है ये जगह मशहूर है और अभी हम जिस शहज़ादे की ज़्यारत को आगे बढ़ रहे हैं जो आप मेरे सामने अपने सामने देख रहे हैं ये इमामज़ादा ज़िक्रिया हैं इनके चलेंगे तुर्बत पे और हाज़िरी देंगे और आपको इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो आपको देंगे इमाम ज़्यादा ज़िक्रिया इनकी ज़्यारत को आए और क्योंकि कोरोना का सीज़न है तो यहाँ शहर की ज़्यारतें बंद हैं तो और शहर से बाहर की ज़्यारतें खुली हुई हैं ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इनका मज़ार और सिंपल सादा सी कबर और मज़ार है जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया हुआ है और लोगों के आराम का भी यहाँ ख्याल रखा गया है कि लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनते मुरादों के लिए और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं हम भी हाज़िरी देते हैं कहा जाता है कि बीबी खतीजा खातून जो हैं उनसे ये छोटे थे और इस पूरे चार लोगों के काफ़िले को जो लीड कर रही थी वो बीबी खतीजा लीड कर रही थी जो इनकी बड़ी बहन थी और ये छोटे होने के नाते उनकी खिदमत में ज़्यादा रहते थे और इर्द गिर्द से दूसरा सामानी ज़िंदगी इकट्ठा करना और फिर रात को खाना और दूसरी चीज़ों का अहतमाम करना और उसके साथ साथ रात के वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल रहना ये इन बहन भाइयों का रोज़ का मामूल था और अक्सर अपने अपने हुजरे बनाए हुए थे और उन्हीं में ही क्याम पज़ीर रहते थे और अगर कभी कोई ख़तरा महसूस होता था तो करीब पहाड़ों में जो है वो चले जाया करते थे और वहाँ पर काफ़ी दिन गुजारने के बाद जब कोई हमदर्द आके बता देता था तो वापस इस जगह पे आ जाया करते थे बहुत ही पुरसकून तुर्बत है इनकी और बहुत ही सकून है यहाँ पर और दिल कभी कभी जो है वो इनकी हिम्मत को सलाम पेश करता है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उस ज़माने में अगर मैं होता तो मेरा क्या मैं भी ऐसी सरवाइव करता क्या मेरी भी ज़िंदगी का मकसद ये होता
काश हमारा भी ये मकसद हो कि हम भी किसी मिशन पर लगे रहें और उस मिशन की खातिर जो है वो कुर्बान अपने आप को कर दें, अपना घर बार हर चीज़ छोड़ के आगे निकल जाएं। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपना हर चीज़ छोड़ा, जैसे मैंने और भी पुरानी वीडियो में आपको बताया कि कैसे ये इमामजादे इमामजादियाँ कैसे निकलते थे और किस तरह तरबियत होती थी और किस तरह ये उसमें आगे बढ़ जाते थे। ये भी वही तरबियत का नतीजा है जो आज सर चढ़कर बोलता है कि लोग अपनी जुमला हाजात और जुमला चीज़ों के लिए इन दरबारों का, इन शहजादा शहजादियों का रुख करते हैं और इनके पास आकर अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और ये उन्हें नवाजते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये अपनी हयाती में बांटा करते थे। बहुत खूबसूरत तुर्बत है, मैं जब भी आऊँगा, मेरी कोशिश है मैं इस जगह पे हमेशा आऊँ, ईरान जब भी आऊँ इस जगह पे और कुम में आऊँ ख़ास तौर पे और इस जगह खलीज आबाद में मैं आऊँ और यहाँ पे इन शहजादे और शहजादियों की मैं तुर्बत पे हाज़िरी ज़रूर दूँ। एक तो सुकून है और ऊपर से हम इन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे शहजादे शहजादियों को जो गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उनमें से चंद हैं जो यहाँ पर हमें मिले हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने चाहने वालों को शेयर करने के साथ साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वो गुमनाम हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी हर चीज़ लुटा दी और अपने आप को आज भी सलामत रखा हुआ है, चाहे वो इस शेप में है या इस शक्ल में है, क्योंकि खुदा ने वादा कर रखा है जो शहीद हैं उन्हें वो कब्रों में जो है वो रिज़्क़ भी देता है और वो इबादत भी करते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों से खुदा ने उन्हें नवाजा भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या ली मदद।